नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञान वापी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सर्वे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे सचित्र प्रमाण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान वापी मंदिर का ही हिस्सा है। इसी सप्ताह ASI ने सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट के सामने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर पर अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में सौंपी थी। बताया गया था कि रिपोर्ट 21 दिसंबर यानी याचिकाकर्ताओं के साथ साझा की जाएगी और इसकी एक प्रति सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। ASI काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञान वापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करा रही है, वहीं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यह कदम न्याय के हित में आवश्यक है और इससे विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा। वहीं इसके बाद ज्ञान वापी सर्वे शुरू हुआ था। इस साल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञान वापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि ASI 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। जिला कोर्ट के फैसले पर काम करते हुए ASI की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे शुरू कर दिया था। इसके विरोध में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी। इसके बाद हाई कोर्ट को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखते हुए 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी थी।